Hello everyone, welcome back. This is your host, Professor Naval Vikram from the Department of Medicine, Metabolic Research Group, All India Institute of Medical Sciences. Today we would be discussing about another topic in the series of the videos on the occasion of World Obesity Day. For this, we have today with us an expert, Dr. Prayas Sethi. Welcome, Dr. Prayas Sethi. Hello, everyone. Thank you, sir, for having me here as a speaker on this important aspect of obesity, that is the comorbidities in obesity. Thank you. So, Dr. Prayas is assistant professor in the Department of Medicine and the Metabolic Research Group of AIIMS New Delhi, and he is involved in the research and the management of patients with obesity and the related problems. So the topic of today is what are the comorbidities which can occur with obesity and what to do in the presence of other diseases. So straight away going to the first question, Dr. Prayas, what are the various comorbid illnesses which are present in a patient with obesity? So obesity ke saath ya motape ke saath aur kya kya bimariyan ho sakti hain? देखिए, वैसे तो ओबेसिटी के साथ बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन कुछ खास बीमारियां ऐसी हैं जो पर्टिकुलरली ओबेसिटी के मैनेजमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल रखती हैं, स्पेशली मेटाबॉलिक कोमॉर्बिडिटीज जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, फैटी लिवर डिजीज एंड उसकी वजह से हार्ट डिजीज. सेकेंड इज मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशंस, मैकेनिकल कोमॉर्बिडिटीज लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस, गठिया की प्रॉब्लम. फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, सांस की दिक्कत जैसे सीओपीडी, अस्थमा और ओएसए जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं. और एक अहम कोमॉर्बिडिटी है मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन जैसी कोमॉर्बिडिटीज. तो मोटापे का इलाज जो अगर और भी बीमारियां साथ में हैं या नहीं है, तो उस सिचुएशन में अगर और भी प्रॉब्लम साथ में है या और प्रॉब्लम्स नहीं है, तो ये दोनों सिचुएशंस में मोटापे के मैनेजमेंट या ओबेसिटी ट्रीटमेंट में क्या फर्क होता है? देखो, बेसिक प्रिंसिपल्स तो मैनेजमेंट का सेम रहता है, चाहे कोई कोमॉर्बिडिटी हो चाहे ना हो, बट हर कोमॉर्बिडिटी का स्पेसिफिक मैनेजमेंट साथ में अपनाना पड़ता है, जिसकी वजह से ओबेसिटी के मैनेजमेंट में भी और उस कोमॉर्बिडिटी के मैनेजमेंट में भी हमें संबंध बना के आगे जाना होता है. जी, ये बिल्कुल अच्छी बात कही आपने कि अगर साथ में कोई दिक्कत है तो उसका भी इलाज साथ साथ होना चाहिए मोटापे के इलाज के साथ. तो अब मैं कुछ एक साथ में जो बीमारियां होती हैं उनसे रिलेटेड आपसे सवाल पूछूंगा कि जैसे किसी को हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है मोटापे के साथ, तो इस खास सिचुएशन में किस तरह से पेशेंट को किस तरह क्या करना चाहिए, उसका मैनेजमेंट में क्या खास बात होनी चाहिए? देखिए, हाइपरटेंशन एक बहुत बड़ी कोमॉर्बिडिटी है जो ओबेसिटी के साथ एग्जिस्ट करती है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल. इसके लिए हमें अपने फिजिशियन से संपर्क में रहना बहुत जरूरी है. सिर्फ वजन कम करने पर डिपेंड नहीं कर सकते, हमें दवाइयों की जरूरत पड़ती ही है. सो फिजिशियन से संपर्क में रहना जरूरी है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ओबेसिटी अगर हम कंट्रोल करते हैं, अगर वजन कंट्रोल करते हैं, तो इसका भी पॉजिटिव इफेक्ट होता है ब्लड प्रेशर के ऊपर. खास बात डाइट में ध्यान रखने के लिए ये है कि नमक कम होना चाहिए डाइट में, और पोटेशियम कंटेनिंग फूड्स जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जैसी डाइट को एनकरेजमेंट होना चाहिए. एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें यह पता हो कि सीवियर हाइपरटेंशन ना हो, कि बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर ना हो, ताकि एक्सरसाइज की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए. सो फिजिशियन से कॉन्टैक्ट में रहना, अपने ब्लड प्रेशर का नियमित रूप से मॉनिटरिंग करना, इसमें सबसे अहम है. ये बहुत जरूरी बात आपने बताई डॉक्टर प्रयास की, अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड नहीं है तो उस सिचुएशन में एक्सरसाइज ना करें तो बेहतर है. पहले ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, फिर आप एक्सरसाइज की तरफ जाएं. अब दूसरी एक काफी कॉमन बीमारी है डायबिटीज, जो हम देखते हैं, जो मोटापे के साथ अक्सर देखी जाती है.
तो मोटापे के साथ अगर डायबिटीज है तो इस सिचुएशन में क्या खास मैनेजमेंट की जरूरत होती है, किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, डायबिटीज देखिए सबसे अहम कोमॉर्बिडिटी मानी जाती है, क्योंकि इसमें वजन कम करना भी इम्पोर्टेंट है। वजन कम करने से भी डायबिटीज कंट्रोल होता है। सो बेसिक प्रिंसिपल जैसे पहले भी बात की, सेम रहता है कि वजन कंट्रोल करना है। लेकिन साथ में डायबिटीज मैनेजमेंट का ध्यान रखने के लिए डाइट और एक्सरसाइज में कुछ खास बातों का ध्यान रखना। डाइट में कार्बोहाइड्रेट, डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, फैट डाइट में अनसेचुरेटेड फैट्स और एडिक्वेट प्रोटीन और फाइबर डाइट का होना जरूरी है। डाइट में टाइमिंग्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो दवाइयां ले रहे होते हैं शुगर की, ऑलमोस्ट सभी मरीज दवाइयों पर होते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को टाइमिंग का ध्यान रखना जरूरी है कि किस समय उन्हें खाना खाना है और दवाई खानी है। बाकी एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम डायबिटीज से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनका ध्यान रखें। जैसे रेटिनोपैथी है, उस केस में आंख पे फंडस पे इफेक्ट होता है रेटिना पर, तो उस केस में हमें हाई इंपैक्ट एक्सरसाइज जो कि स्ट्रेन डालती हैं आंख में उसको अवॉइड करना चाहिए, जैसे जंपिंग, स्किपिंग एक्सेट्रा, ये सब एक्टिविटीज अवॉइड करनी चाहिए। और लो इंपैक्ट एक्सरसाइज जैसे स्विमिंग वगैरह वो कर सकते हैं। सिमिलरली न्यूरोपैथी है, तो उसमें भी हाई इंटेंसिटी, हाई इंपैक्ट एंड हाई स्ट्रेनुअस एक्टिविटीज को अवॉइड करना चाहिए, जैसे रनिंग, जंपिंग एंड अगेन लो इंपैक्ट एक्सरसाइज और लो स्ट्रेनुअस एक्टिविटीज को एनकरेज करना चाहिए। हार्ट डिजीज के पेशेंट्स जो हैं उनको इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, अगर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करेंगे तो उनको हार्ट डिजीज बढ़ने का खतरा रहता है और कोई एक्यूट इवेंट भी हो सकता है। तो इसलिए एनकरेज किया जाता है कि वो मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें या लो इंटेंसिटी जैसे वॉकिंग, गार्डनिंग और डेली कोर्स पर ध्यान दें। साथ में ही एक्सरसाइज में भी ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि कुछ पेशेंट जैसे पहले भी बात की इंसुलिन पे होते हैं, कुछ दवाइयों पे होते हैं, तो उनकी शुगर एक्सरसाइज के समय कम होने का भी खतरा रहता है। सो शुगर कम ना हो इस इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है एक्सरसाइज और डाइट के साथ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो जरूरी है एक्सरसाइज और डाइट दोनों को मिलाकर वो यह है कि एक्सरसाइज करते समय पहले या बाद में शुगर मॉनिटरिंग हो जाए तो अच्छा रहता है। साथ में एक फिजिशियन से परामर्श लेना और अपना एक्सरसाइज प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हार्ट का चेकअप कराना और बाकी कॉम्प्लिकेशंस का ध्यान रखना, दवाइयाँ किस समय लेनी है और उससे कितनी देर पहले, खाना खाने से पहले लेनी है, खाना खाने के बाद लेनी है, इन चीज़ों का अपने फिजिशियन से संपर्क में रहकर हमें जानकारी ले लेनी चाहिए। जी, ये बहुत जरूरी बात है जो आपने कही कि अगर डायबिटीज या हार्ट डिजीज है साथ में, तो आपको पहले अपना चेकअप कराना जरूरी है कि आप एक्सरसाइज कौन सी कर सकते हैं, कितनी कर सकते हैं, ताकि आपको एक्सरसाइज करते वक्त, एक्सरसाइज के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो या कोई प्रॉब्लम ना हो। अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अक्सर कई कई मरीज होते हैं जिनको दमे की या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या इस तरह सांस की कोई भी तकलीफ होती है, मगर उनको मोटापा भी हो सकता है, वैसे उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है उसकी वजह से मोटापा हो जाता है, या मोटापे की वजह से भी सांस में दिक्कत हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं ऐसे मरीज जिससे कि वो एक्सरसाइज भी अपनी कर सकें ताकि वो अपने मोटापे पे काबू पा सकें? कि एक्सरसाइज के साथ और सांस की दिक्कत, सांस अगर किसी को सांस की दिक्कत है तो एक्सरसाइज करने से उनको सांस में और दिक्कत भी आ सकती है। अक्सर ये मरीज बोलते हैं कि मेरा सांस फूल जाता है तो मैं कैसे एक्सरसाइज करूं, तो इसके लिए दोनों मैनेजमेंट जरूरी है। सांस की बीमारी अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसका इलाज जरूरी है, और साथ साथ वजन कम करने का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अक्सर जो सांस की बीमारियां साथ में देखी जाती हैं वो एस्थमा, सीओपीडी या एक इम्पॉर्टेंट बीमारी जो कि
ऑफन इग्नोर भी की जाती है वो है ओएसए, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसकी वजह से रात को सांस में दिक्कत आती है क्योंकि सारी मसल्स जो नेक मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, उसकी वजह से सांस की नली में ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है। सो उसको कंट्रोल करने के लिए पहले हमें ये जानना जरूरी है कि बीमारी है कौन सी। एप्रोप्रिएट डायग्नोसिस जरूरी है बीमारी का। डायग्नोसिस होने के बाद डॉक्टर से उस चीज का स्पेसिफिक इलाज करवाते हुए हमें वजन पे कंट्रोल करना है। वजन के लिए हमें ध्यान रखना है कि वैसे जैसे हमने हार्ट की बीमारी में ध्यान रखा था, हम मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज पे ध्यान दें, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज पे ध्यान दें, ताकि एरोबिक एक्सरसाइज करने से जो कि सांस ज्यादा फूल सकता है उस पर थोड़ा कंट्रोल रह सके और साथ साथ वजन पर भी कंट्रोल किया जा सके। तो सांस के जिन मरीज जिनको सांस की दिक्कत साथ में है, ये जानकारी उनके लिए बहुत लाभदायी होगी। और एक और बीमारी के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बढ़ती उम्र के साथ जोड़ों का दर्द या आर्थराइटिस या ऑस्टियो आर्थराइटिस जिसे कहते हैं, जो कि घुटनों की दिक्कत होने लगती है। सो अक्सर ऐसे मरीज होते हैं, और मोटापे के साथ, जैसा आपने पहले बताया था कि मोटापे के साथ अगर वजन ज्यादा है तो जोड़ों की भी दिक्कत हो सकती है। सो ऐसी सिचुएशन में अगर किसी को जोड़ों की दिक्कत है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है और उनका वजन ज्यादा है, तो वो अगर वो दिक्कत होती होती है तो वो चल नहीं पाते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो ऐसे मरीज अपने मोटापे को का इलाज के लिए, मैनेज करने के लिए क्या कर सकते? जी हाँ, ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि हमारे बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जो इस वजह से ही एक्सरसाइज नहीं कर पाते क्योंकि उनको जोड़ों की दिक्कत है, स्पेशली घुटने के जोड़ों की दिक्कत है। सो ऐसे पेशेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम ऐसी एक्सरसाइज उनको सजेस्ट करें जो कि घुटने पर प्रेशर ना डालें, घुटने पर स्ट्रेन कम से कम डालें। तो एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग करने से, रनिंग करने से या जंपिंग करने से घुटनों पर सबसे अधिक स्ट्रेन पड़ता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम पेशेंट को दूसरी एक्सरसाइजेस जैसे स्विमिंग या साइकिलिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इस तरह की एक्सरसाइज अगर हम सजेस्ट करें तो वो पेशेंट्स कर सकते हैं, अपना धीरे धीरे वजन भी घटा सकते हैं। जैसे जैसे वजन घटेगा तो शायद वो थोड़ा सा बेहतर, पहले से बेहतर चल भी सकें, तो उससे वो और आगे फिर हेल्प ले सकते हैं चलकर अपना वजन कम करने की। बट शुरू में अगर बीमारी बहुत ज्यादा है तो वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग ये सब अवॉइड करना चाहिए। जी, ये बहुत अहम जानकारी है ऐसे मरीजों के लिए। तो डॉक्टर प्रयास, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें इतनी लाभदायी जानकारी दी जिसकी, अगर मोटापे के साथ और भी दिक्कतें हैं जैसे हार्ट की, डायबिटीज या जोड़ों की दिक्कत है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए और क्या कर सकते हैं जिससे मोटापे को भी कंट्रोल कर सकते हैं और आप अपनी दूसरी बीमारी को भी साथ में कंट्रोल में रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन या ये जानकारी जो हमने इस वीडियो में दी है, उससे कई लोगों को लाभ हुआ होगा। अगले वीडियो में आप हम जुड़े रहिए, और इससे और हम आपसे फिर मिलेंगे एक बहुत ही अहम सवाल को लेकर के, जो एक बर्निंग इशू है। आप जुड़े रहिए, हम हमारे हमारे साथ आप जुड़े रहिए। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू।